हम जब ये खबर आपको बता रहे हैं और आप जब ये खबर देख रहे हैं, उस वक्त भी कई लोग जद्दोजहद में जुटे हैं। ये है जल की जद्दोजहद। बदलते मौसम, भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद के लिए लोग परेशान हैं। लेकिन सिर्फ भीषण गर्मी ने ही पानी की परेशानी नहीं बढ़ाई, बल्कि बिलासपुर में तो क्रैशर खदानों की ब्लास्टिंग भी पानी की किल्लत के लिए जिम्मेदार है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। जरा सोचिए, आप जहां रहते हैं वहां जब तब धमाके होते रहे तो क्या बीतेगी आप पर? आप सोचकर ही परेशान हो जाएंगे, लेकिन बिलासपुर में तो जिले के बिल्हा, मस्तूरी और तखतपुर में चल रही क्रेशर खदानों में लगातार ब्लास्टिंग के बीच ही यहां लोग निवास करते हैं। एक तरफ धमाकों से दहलते गांव तो दूसरी तरफ पानी का टोटा। वजह क्रेशर खदानों के कारण लगातार गिरता वाटर लेवल। यहां मस्तूरी तहसील में सबसे ज्यादा 25 क्रेशर खदानें चल रही हैं, जहां गिट्टी निकालने के लिए बारूदी धमाके लगातार होते हैं। स्थिति ये बन गई कि खदानों की गहराई 70 से 150 फीट गहरी हो चुकी है, लेकिन काम अब भी जारी है। नतीजा ये कि धमाकों के कारण मकान दरकने लगे हैं, तो जमीन में पानी का स्तर गिरता ही चला जा रहा है। पानी पहले रही तो यह ताही और पानी अभी है ही नहीं है, तो कहाँ आई हम का कारण बता सकते हैं? का ब्लास्टिंग कारण नहीं आते और लगेज नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं हमारे करता है, हम का बताओ वही बता दें। न कोई नल है में पानी निकले, ना कहीं ब्लास्टिंग बार बार होते। एक बार इसने कर रहे हैं तो पानी लो ब्लास्टिंग रोके रही, फिर दोबारा ब्लास्टिंग चालू हो गए, फिर पानी मन के इस तरह गिर गए है। मेन समस्या मन के ब्लास्टिंग ला कम करे। तखतपुर और बिल्हा का हाल भी जुदा नहीं है। भूजल विभाग के अधिकारी ये खुद बताते हैं कि यहाँ वाटर लेवल 250 से 300 फीट नीचे जा चुका है और अब ये पूरा इलाका अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। आलम ये कि गांव के लोग तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे भीषण गर्मी में दूषित पानी पीने से महामारी की आशंका भी है। बिल्हा और तखतपुर जो कि सेमी क्रिटिकल में आते हैं, यहाँ पर लगभग क्या हो रहा है कि जो रिचार्ज होता है, जितना पानी अपने यहाँ रिचार्ज होता है उसका 90% तक यूज कर ले रहे हैं। तो ये स्थिति है कि आप पानी मैंने भविष्य के लिए यहाँ पर बहुत कम बचे हुए हैं, इसलिए इसको अपन जो कैटेगराइज करते हैं सेमी क्रिटिकल ब्लॉक में करते हैं। इधर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जिले में एक भी अवैध क्रेशर खदान नहीं चल रही जिसको बंद किया जा सके, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं कि नियमों के खिलाफ ब्लास्टिंग या फिर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। जो ब्लास्टिंग अगर करना भी है या उसका कोई नियम कानून है तो 10 से 25 फीट के में ही ब्लास्टिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर 150 फीट गड्ढा किया गया है खदानों का, उस पर ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो जल स्तर है वो तेज़ी से यहाँ का गिरता जा रहा है और जिससे यहाँ के ग्रामीण जो है वो मजबूरी में तालाब के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इससे कहीं ना कहीं इनके तबीयत बिगड़ने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस गाँव में यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि समस्या और परेशानी से जूझ रहे इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।